आप सब लोगों को हमारे YouTube चैनल नॉलेज दुनिया में स्वागत है। इस वीडियो में हम जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। ये रहा पार्ट 54, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला सवाल, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर भारत के कहां पर है? इसका ऑप्शन है ए मुंबई, बी दिल्ली, सी रांची या डी शिलोंग। अगर आप लोग सोचना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हो, उसके बाद अपना उत्तर चेक कर सकते हो। इसका उत्तर है बी दिल्ली। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का मुख्यालय भारत के राजधानी दिल्ली पर है। ये रहा दूसरा सवाल, मानसरोवर झील विश्व में कौन से देश में है? इसका ऑप्शन है ए भारत, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान या डी चीन। इसका उत्तर है डी चीन। तो मानसरोवर झील चीन देश में है। ये रहा तीसरा सवाल, भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य का नाम क्या है? इसका ऑप्शन है ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा या डी आसाम। इसका उत्तर है डी आसाम। तो भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य का नाम है आसाम। ये रहा चौथा सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस साल हुआ था? इसका ऑप्शन है ए 1920, बी 1930, सी 1939 या डी 1949। इसका उत्तर है डी 1949। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण साल 1949 में हुआ था। ये रहा पांचवा सवाल, ग्रामी पुरस्कार पहले किस साल दिया गया था? इसका ऑप्शन है ए 1955, बी 1959, सी 1964 या डी 1970। इसका उत्तर है बी 1959। तो ग्रामी पुरस्कार पहले साल 1959 में दिया गया था। ये रहा छठा सवाल, भारत में 2018-19 के बजट किसने पेश किया था? इसका ऑप्शन है ए सुरेश प्रभु, बी अरुण जेटली, सी पीयूष गोयल या डी नरेंद्र मोदी। इसका उत्तर है बी अरुण जेटली। तो भारत में 2018-19 के बजट अरुण जेटली जी ने पेश किया था। ये रहा सातवां सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका ऑप्शन है ए टोक्यो, बी न्यूयॉर्क, सी दिल्ली या डी बेजिंग। इसका उत्तर है बी न्यूयॉर्क। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क पर है। अगर आप कोई चीज नहीं जान रहे हो तो उसे नोट डाउन कर लीजिए, इससे आपका याद रह जाएगा। ये रहा आठवां सवाल, भारत में राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए यानी मिनिमम एज कितना होना चाहिए? इसका ऑप्शन है ए 25, बी 35, सी 45 या डी 55। इसका उत्तर है बी 35। तो भारत में राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट होने के लिए न्यूनतम आयु 35 होना चाहिए। ये रहा नौवां सवाल, बीबी का मकबरा भारत के किस राज्य में है? इसका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी गुजरात। इसका उत्तर है सी महाराष्ट्र। तो बीबी का मकबरा भारत के महाराष्ट्र राज्य में है। ये रहा दसवां सवाल, प्रियंका चोपड़ा को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किस साल मिला था? इसका ऑप्शन है ए 2016, बी 2017, सी 2018 या डी 2012। इसका उत्तर है बी 2017। तो प्रियंका चोपड़ा को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड साल 2017 में मिला था। ये रहा ग्यारहवां सवाल, मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब किसने जीती है? इसका ऑप्शन है ए मानुषी छिल्लर, बी फेंसा पोंसे डी लियोन, सी प्रियंका चोपड़ा या डी युक्ता मुखी। इसका उत्तर है बी फेंसा पोंसे डी लियोन।
तो मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब वेनेसा पोंसे डी लियोन ने जीती है। आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट कैसा चल रहा है? आप ये 11 सवाल में से अगर 11 का सही जवाब दिए हो तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप बहुत कुछ नया चीज जान रहे हो। ये रहा 12वां सवाल, देशर नायक किस प्रसिद्ध व्यक्ति को उपाधि मिला है? इसका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी चित्तरंजन दास या डी लाला लाजपत राय। इसका उत्तर है बी सुभाष चंद्र बोस। तो देश नायक प्रसिद्ध व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस जी को मिला है। ये रहा 13वां सवाल, बाबा साहेब अंबेडकर का जयंती हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है ए 1 अप्रैल, बी 9 अप्रैल, सी 14 अप्रैल या डी 18 अप्रैल। इसका उत्तर है सी 14 अप्रैल। तो बाबा साहेब अंबेडकर का जयंती हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ये रहा 14वां सवाल, श्रीहरिकोटा भारत के किस राज्य में है? इसका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश या डी गुजरात। इसका उत्तर है सी आंध्र प्रदेश। तो श्रीहरिकोटा भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है। ये रहा 15वां सवाल, न्यूजीलैंड देश की मुद्रा यानी करेंसी का नाम क्या है? इसका ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड डॉलर, बी रूबेल, सी येन या डी न्यूजीलैंड टाका। इसका उत्तर है ए न्यूजीलैंड डॉलर। तो न्यूजीलैंड देश की मुद्रा का नाम है न्यूजीलैंड डॉलर। ये रहा 16वां सवाल, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पहले किस साल दिया गया था? इसका ऑप्शन है ए 1956, बी 1958, सी 1960 या डी 1964। इसका उत्तर है सी 1960। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पहले साल 1960 में दिया गया था। ये रहा 17वां सवाल, तक्षशिला विश्वविद्यालय कौन से देश में है? इसका ऑप्शन है ए भारत, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान या डी चीन। इसका उत्तर है बी पाकिस्तान। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान देश में है। ये रहा 18वां सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वराज किस साल हासिल किया था? इसका ऑप्शन है ए 1890, बी 1910, सी 1950 या डी 1930। इसका उत्तर है डी 1930। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वराज साल 1930 में हासिल किया था। ये रहा 19वां सवाल, मुस्लिम लीग का स्थापना किस साल हुआ था? इसका ऑप्शन है ए 1903, बी 1904, सी 1905 या डी 1906। इसका उत्तर है डी 1906। तो मुस्लिम लीग का स्थापना साल 1906 में हुआ था। ये रहा 20वां सवाल और आखिरी सवाल इस ऑनलाइन टेस्ट का, प्रथम एशियाई खेल यानी फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ पर हुआ था? इसका ऑप्शन है ए बीजिंग, बी दिल्ली, सी टोक्यो या डी न्यूयॉर्क। तो इसका ऑप्शन है बी दिल्ली। तो प्रथम एशियाई खेल यानी फर्स्ट एशियन गेम्स भारत की राजधानी दिल्ली पर हुआ था। आप लोगों को ये ऑनलाइन टेस्ट कैसा लगा और आप ये 20 सवाल में से कितने का सही जवाब दिए हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।